आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे बैप्टिसिया टिंटोरा के बारे में। सो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं इस मेडिसिन के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। सो ये जो मेडिसिन है ये अबंडेंटली कहाँ ग्रो करती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में ये देखने को मिलता है। और इसका जो टिंचर होता है वो हम प्रिपेयर करते हैं फ्रेश रूट और बार्क ऑफ द प्लांट्स। और इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें अगर इस रेमेडी की, तो ये जो इसका जो पैथोजेनेसिस होगा इस रेमेडी का, क्रूड फॉर्म में अगर आप देते हो तो ये सिमिलर मिलेगा टाइफाइड फीवर से। बिल्कुल। और इसी वजह से इट हैज बीन रिगार्डेड एज अ ग्रेट रेमेडी इन टाइफाइड फीवर। इसके अलावा अगर मैं इसकी फैमिली की बात करूं तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है वाइल्ड इंडिगो। अब इसे आप ना ऐसे याद कर सकते हो जैसे क्रिकेट में होता है ना LBW, उसे याद कर लो। L फॉर लेग्यूमिनेसी फैमिली, W से क्या हो जाएगा, B से हो जाएगा बैप्टिसिया, और W से हो जाएगा वाइल्ड इंडिगो। तो ऐसे आप याद कर सकते हो LBW से कि जो लेग्यूमिनेसी की फैमिली हो गई, बैप्टिसिया टिंटोरा इसका नेम हो गया, और इसका जो कॉमन नेम है वो वाइल्ड इंडिगो हो गया। LBW से आप याद लर्न कर सकते हैं इसे। तो ये मैंने आपको निमोनी भी बता दिया। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट इस मेडिसिन के बारे में जो आपको पता होने ही चाहिए। तो अब देखते हैं इसके कंस्टिट्यूशन के बारे में। तो कंस्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, लिम्फैटिक टेम्परामेंट। अब इस लिम्फैटिक टेम्परामेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में तो हम कभी और आपको सारे टेम्परामेंट बताएंगे। कई एक टेम्परामेंट नहीं है, मल्टीपल टेम्परामेंट्स होते हैं, बहुत सारे टेम्परामेंट होते हैं। तो अभी जो और एक ही पर्सन में एक से ज्यादा टेम्परामेंट भी हो सकते हैं। तो ये जो टेम्परामेंट की वीडियो है कभी और डिटेल में बनाएंगे, बस अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट का क्या मतलब क्या होता है। तो शॉर्ट में बताएं तो इसका जो पेशेंट होगा वो बहुत ज्यादा काम होगा, इनएक्टिव होगा। और इनएक्टिव वो मींस जो चीजें कोई भी चीज है उस पर इजिली रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे टेम्परामेंट को हम लिम्फेटिक टेम्परामेंट कहते हैं। कहने का मतलब बड़ा ना आलसी टाइप समझ लीजिए आप, कह सकते हैं मतलब काम इनएक्टिव ऐसे ही होता है। तो इस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उसमें कौन सा टेम्परामेंट है, लिम्फैटिक टेम्परामेंट है। और ये क्या होता है मैंने बता दिया। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके मेंटल जनरल्स के बारे में। तो अगर मैं इसके मेंटल जनरल्स की बात करूँ तो इसे एवर्जन होता है टू मेंटल एग्जाम्स। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया ही ये चीजों पे इजीली रिएक्ट नहीं करता, तो इसे इसे एवर्जन है, ये कुछ सोचना नहीं चाहता। इसे मतलब ये बहुत इनडिस्पोज होता है, मतलब इसके पास एबिलिटी अनेबल टू थिंक एनीथिंग, मतलब ये इसके पास सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होती। या ये फिर ये समझ अगर होगी भी तो ये सोचना समझना चाहेगा नहीं। और अगर ये कोई भी मेंटल एग्जर्शन करता है तो इससे इसे प्रॉब्लम भी होती है, इसीलिए इस चीज से इसे एवर्जन भी होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा परफेक्ट इनडिफरेंस होता है, डज नॉट केयर टू डू एनीथिंग, inability to fix the mind on work, काम मतलब पे ध्यान नहीं लगा पाएगा, मतलब काम पे ध्यान भी नहीं लगा पाता और मतलब कोई भी चीज ना ये अच्छे से करता नहीं, does not care to do anything, मतलब कुछ करना ही नहीं चाहता। मतलब ये इसके अंदर मेंटल एग्जर्शन से भी प्रॉब्लम है और फिजिकल एग्जर्शन से भी, इसे एवर्जन, तभी ये कुछ करना भी नहीं चाहता। तो ये चीज इसमें देखने को मिलती है। और ये अपने काम पर अपने माइंड को फोकस फिक्स नहीं करता, तो इसकी भी इसके पास एबिलिटी अपने काम पर अपने माइंड को फिक्स करने की भी एबिलिटी इस मेडिसिन में नहीं होती, इस मेडिसिन के पेशेंट में नहीं होती है। इसके अलावा स्टूपर देखने को, स्टूपर मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मींस ये जो पेशेंट होगा ये ना आपको जब अपने सिम्टम बताएगा ना तो बोलते बोलते आधे सिम्टम पे अनकॉन्शियस चुप हो जाए, तुम चुप सा हो जाए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, वही जो आर्निका का पेशेंट होता है वो भी अनकॉन्शियस होता है, उसमें भी स्टूपर देखने को मिलता है, बट वो पूरा आंसर कंप्लीट करने के बाद अनकॉन्शियस होता है। और बैप्टिसिया बीच में मिडिल ऑफ द सेंटेंस ये बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाएगा, जब वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करके फिर एकदम चुप, मतलब अनकॉन्शियस, वो भी अनकॉन्शियस बोलते बोलते ऐसा हो जाता है उसका, कोई सिम्टम बोला और बोलते बोलते पूरा कंप्लीट किया और चुप हो गया। ये तो ये आर्निका, बट थोड़ा सा आधा बोला फिर सेंटेंस के बीच में ही चुप हुआ तो बैप्टिसिया अनकॉन्शियस हुआ, तो वो बैप्टिसिया बिफोर बीच, ऐसे आप याद रखें बीफोर बीच बीच। बहुत सारे निमोनिक बन रहे हैं, तो बहुत सारे निमोनिक आज बन रहे हैं हमारे, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो क्या है, स्टूपर फॉल्स ए स्लीप
while being spoken to or in midst state बोला ना बीच में his answer of his answer वही जो आर्निका है when spoken to answer correctly but delirium returns at once जब उसने complete कर दिया ना पूरा symptom बता दिया बिल्कुल तब उसमें unconscious में देखने को मिलेगा कि बहुत important है differentiate करने के लिए बैक्टीरिया और आर्निका की patient अब देखते हैं अगला पॉइंट इसके मेंटल जर्नल्स के बारे में कैन नॉट गो टू स्लीप बिकॉज शी कैन नॉट गेट हरसेल्फ टुगेदर मतलब इसको ऐसा लगता है कि इसके पार्ट ना डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स स्कैटर्ड जैसे बेड पे सो नहीं पा जैसे बेड पे लेटा हुआ है तो इसको ऐसा एहसास होता है कि टुकड़ों में बिखरा हुआ है बिल्कुल तो ये क्या करेगा तो टॉसिंग करता है उसको कलेक्ट कलेक्ट करेगा अपने हाथ पाओ को इधर ले आऊं वो पकड़ लूं ये पकड़ लूं लेकिन ऐसा होता नहीं है ऐसा बिखरता नहीं बस ये इसके माइंड में है कि ये बिल्कुल बिखर सा गया इसको ऐसा भी लगता है जैसे वो 3% देखिए could not keep them covered और उसको वो covered भी नहीं करता था ना कि मतलब कि tosses about to get the pieces together thought she was 3% could not keep them covered तो ये पेट्रोलियम में भी हमें देखने को मिलता है यही सेम सिम्टम ठीक है तो ये थे कुछ पॉइंट्स इसके मेंटल जर्नल्स के बारे में अब जो इसके फिजिकल जर्नल्स के पॉइंट है वो आपको जैसा कि अभी प्रिंस ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया लिम्फेटिक टेम्परामेंट है मेंटल जर्नल्स में भी कई सारी प्रिंस ने चीजें कवर करी हैं तो अब हम फिजिकल जर्नल्स को भी कवर कर लेते हैं तो देखिए किसी भी पोजिशन में ये पेशेंट जब लेटेगा ना तो उस पर्टिकुलर पोजिशन में जिस पार्ट पे रेस्टेड होगा उस पार्ट पे नील पड़ जाएगी जिस करवट ये सोएगा ना उस करवट पे आपको नील मतलब सोरनेस ब्रूइज नील पड़ जाती है तो ब्रूज आपको देखने को मिलता है ठीक है और इसमें ना बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन मतलब थकावट रहेगी बड़ा थका थका रहेगा विद डिस्पोजिशन टू डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड तो कैसा है इसके फ्लूइड कैसे इसके डिकम्पोज्ड है इस वजह से इसके जितने भी डिस्चार्जेस होंगे वो बहुत फैटीड होंगे ब्रीथ ले लो इसकी सांस ले लो स्टूल ले लो यूरिन ले लो इसका पसीना ले लो चाहे इसके अल्सर ले लो सब कैसे होंगे प्रिंस बदबूदार होंगे ऑफेंसिव होंगे फैटीड होंगे ठीक है अब इसके फेस की बात कर लेते हैं तो फेस इसका कैसा होगा प्रिंस फ्लश्ड होगा डस्की होगा स्ट्यूपिड होगा और कैसा एक्सप्रेशन किसी देखा ड्रंक का एक शराबी का जैसे एक्सप्रेशन होता है चेहरे का वैसा ही एक्सप्रेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा आपको बैक्टीरिया टिंटोरा के पेशेंट में आपको एक ड्रंकन एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा ठीक है फेस कैसा होगा फ्लश्ड फ्लश्ड होगा डस्की होगा डस्की फ्लश्ड और डस्की फेस पता है कैसा होगा जैसे आपने भी देखा होगा कि जब आप बहुत ज्यादा भाग मान लो आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन करके बहुत ज्यादा आपने एक्सरसाइज करी हाँ। बहुत ज्यादा आप तो उस समय आपका चेहरा कैसा होता है उस समय आप अपना फेस देखिए शीशे में जाके तो वो जो फेस है ना टिपिकल वही है उसको हम बोलते हैं फ्लश्ड डस्की ठीक है और स्टूपिड मतलब देखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे शराबी हाँ। जैसे शराबियों का ना बहुत ज्यादा ड्रंकन एक्सप्रेशन उनका फेस कैसा होता है होता है स्टूपिड टाइप वैसे ही आपको बैप्टिशियम में बेसोर्टेड भी उसे बोलते हैं ठीक है और यही सेम जो फेस का एक्सप्रेशन है यही आपको जलसीमियम में भी देखने को मिलेगा ठीक है अब बात कर लेते हैं माउथ की तो देखिए अभी हमने जस्ट बोला है कि उसके जो फ्लूइड है वो डिकम्पोज है जिसकी वजह से उसको जितने भी सिक्रीशन है वो कैसे हैं प्रिंस ऑफेंसिव है तो इसकी जो इसका मतलब कि जो इसकी ब्रीथ है वो भी कैसी है बदबूदार है इसकी सांसों से भी बदबू आती है ठीक है अब इसके माउथ में अगर हम टंग की बात करें तो इसकी जो टंग होती है ना एट फर्स्ट पहले तो इसकी टंग कैसी होगी व्हाइट कोटिंग आपको देखने को मिलेगी इसकी टंग पे रेड पेपिली के साथ और जो इसकी जो जो टंग है ना उसके बीचों बीच आपको येलो ब्राउन देखने को मिलेगा जो सेंटर होगा टंग का वो कैसा होगा येलो ब्राउन इन कलर होगा और व्हाइट कोटिंग मिलेगी विद रेड पेपिली और आगे स्टेजेस में कुछ समय बाद इसकी जो टंग है वो कैसी हो जाएगी ड्राई हो जाएगी क्रैक्ड हो जाएगी और उनपे छाले हो जाएंगे अल्सरेटेड हो जाएगी बिल्कुल ठीक है अब यहाँ पे अगर हम ये तो हमारा माउथ के अंदर टंग भी हो गया ब्रीथ में मैंने आपको बता दी इसकी किसी ऑफेंसिव बदबूदार है तो जैसा कि अभी हमने फिजिकल जर्नल्स में फेस और माउथ देख लिया है तो अब थ्रोट को और देख लेते हैं तो जो बैक्टीरिया टिंक्टोरा का पेशेंट होता है ना ये कैन स्वेलो लिक्विड ओनली ये केवल लिक्विड ही स्वेलो कर सकता है तो सॉलिड से क्या प्रॉब्लम है जो ये थोड़ा सा भी सॉलिड अगर फूड लेगा ना तो गैग करेगा फंसेगा इसके गले में वो पेशेंट आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा भी खाना खाता हूँ गले में लगता है गले में फंसता है लेकिन लिक्विड से कोई प्रॉब्लम नहीं यहीं पे अगर मैं आपको इसके सिलीशिया से कंपैरिजन करूंगा तो सिलीशिया का पेशेंट भी लिक्विड स्वेलो करता है लेकिन लिक्विड के लिए उसे एवर्जन है तो ये डिफरेंस हाँ इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिलीशिया और बैप्टीशिया को कि दोनों ही स्वेलो कर रहे हैं लिक्विड को लेकिन सिलीशिया में एवर्जन है लिक्विड के बिल्कुल ठीक है अब और क्या है देखिए इसका जो थ्रोट है वो सोर रहेगा सोर थ्रोट रहेगा लेकिन कैसा रहेगा पेनलेस रहेगा दर्द नहीं होगा और इसके जो टॉन्सिल्स हैं और जो जो सॉफ्ट पैलेट होता है इसके टॉन्सिल सॉफ्ट पैलेट और पैरोटिड कैसे रहेंगे डार्क रेड रहेंगे ठीक है स्वेलन रहेंगे फूले हुए रहेंगे और ऑफेंसिव डिस्चार्ज
पुट्रिटा और ऑफेंसिव डिस्चार्जेस तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसके जो फ्लूइड होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, इस वजह से इसके जितने भी डिस्चार्ज वो ऑफेंसिव सारे ऑफेंसिव पुट्रिट है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। अब बात कर लेते हैं GIS की, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की। तो ओल्ड पीपल में डाइसेंट्री देखने को मिलती है और चिल्ड्रंस में डायरिया देखने को मिलता है। डाइसेंट्री का मतलब ये होता है कि जब भी कोई स्टूल पास करेगा उसमें क्या आएगा प्रिंस, ब्लड आएगा। तो स्टूल के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्री बोलते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हमें डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कैसे होंगे, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव, ये हम ऑलरेडी कितनी बार आपको बता चुके हैं, ऑफेंसिवनेस मार्क्ड है इसमें। और क्यों है, क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड है इसीलिए, ठीक है। आप फीवर की बात कर लेते हैं तो देखिए प्रिंस ने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये टाइफाइड फीवर की रेमेडी है। तो फीवर की, टाइफाइड की किसी भी स्टेज में आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। तो अब आज हमारी जो बैक्टीरिया टिंटोरा थी वो मेडिसिन कवर हो चुकी है। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगी होगी और नॉलेजेबल लगी होगी। अगर नॉलेज आपको मिली है, अच्छी लगी है, तो शेयर करें, लाइक करें, और ये इन्फॉर्मेशन जो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।